भाई यार मेरा कैमरा ही नहीं चल रहा। भाई प्रॉब्लम क्या आ रही है? पता नहीं बैटरी कम्युनिकेशन एरर आ रहा है यार। काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। DSLR में एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके ऊपर YouTube पर अभी तक कोई भी वीडियो मुझे देखने को नहीं मिली। जैसे ही मेरे कैमरा में केवल एक प्रॉब्लम आई तो मैंने YouTube पर सर्च किया कि किसी ना किसी तरीके से मुझे कोई ना कोई आइडिया मिल जाए जिससे मैं इस एरर को जो फिक्स कर सकूं, बट कोई भी जो है मुझे वीडियो को देखने को नहीं मिली। एक हफ्ते बाद मुझे जो है कुछ पता चला है कि कैसे इस चीज़ को जो है फिक्स कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं। मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि इसका जो है सोल्यूशन एक्चुअल है क्या। तो वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक वॉच कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट करते हुए वीडियो को शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। कैमरा ओपन करते सार ही मेरे पास कुछ इस प्रकार का जो है डिस्प्ले पर एरर देखने को मिल गया, जिसको देखकर मैं एकदम से जो शॉक हो गया। जहां पर लिखा हुआ था कि बैटरी कम्युनिकेशन एरर, डस दिस बैटरी डू दिस बैटरी डिस्प्ले द कैनन लोगो। मैंने यस पर जो है क्लिक कर दिया क्योंकि मुझे बैटरी पर जो है कैनन का लोगो दिखाई दे रहा था। जैसे मैंने यस पर क्लिक किया, ठीक है, क्या होता है जहाँ पर एक और एरर आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपके सेफ्टी पर्पज़ के लिए कैमरे को ऑफ कर देगा, आपका सिस्टम जो है ऑफ कर देगा, आपका कैमरा ओपन नहीं होगा। अब मैंने बैटरी को जो है निकाल कर फिर से ऑन किया तो जहाँ पर आपको फिर से वही एरर देखने को मिला। इसका सलूशन कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आपको जो है नो पर क्लिक करना है, बल्कि आपको कहना है कि मुझे कुछ भी जो है दिख नहीं रहा। उसके बाद आपको यस पर क्लिक करना है, ठीक है, पहले नो पर क्लिक करना है फिर यस पर क्लिक करना है। जैसे ही यस पर क्लिक करोगे आपका कैमरा जो है चलना स्टार्ट हो चुका है और नीचे आपको बैटरी का इंडिकेशन नहीं दिखाई देगा। अब आपको बैटरी का इंडिकेशन ही नहीं दिखाई देगा तो एक और आपके साथ प्रॉब्लम आएगी कि आपका जो है जब भी आप बैटरी को चार्ज करोगे तो आपका चार्जर भी आपकी बैटरी को सपोर्ट नहीं करेगा। वहाँ पर जो है लाइट ब्लिंकिंग ही आएगी, कभी भी जितना मर्जी टाइम आप जो है चार्ज लगा के देख लो कभी भी बैटरी चार्ज नहीं होगी। इस कंडीशन में क्या है कि आपकी बैटरी जो है अभी ख़राब हो चुकी है। आप लोगों को जहाँ तो जो है कैनन की ओरिजिनल जो है बैटरी को बाय करना पड़ेगा, तभी इस चीज़ का जो है सोल्यूशन आप लोग कर सकते हैं। ओरिजिनल बैटरी कम से कम आपको जो है 3000 के आसपास जो है पड़ेगी, ठीक है। अगर आप उसके अल्टरनेटिव कोई भी बैटरी डुप्लीकेट बैटरी लेना चाहते हैं तो वो आपको जो है कम प्राइस में पड़ जाएगी, बट हो सकता है कि आपके जो है कैमरे में सपोर्ट ना करे, तो आप लोगों को चेक कर लेना है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी बैटरी अभी भी जो है 1-2 घंटे का या 3 घंटे का बैकअप दे सकती है और वैसे ही जो है कम्युनिकेशन एरर की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोगों को क्या करना है, डुप्लीकेट एक बाय जो है चार्जर कर लेना है जिससे आप अपनी बैटरी को जो है चार्ज कर सको, क्योंकि ओरिजिनल बैटरी से तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। आप लोगों को डुप्लीकेट चार्जर बाय करना है जो 500-600-700 के आसपास जो आपको पड़ जाएगा। इस चीज़ से भी आप जो है सोल्यूशन कर सकते हो। मैं भी अब अपने कैमरे के लिए जो डुप्लीकेट बैटरी को बाय करने वाला हूँ, कौन सी कंपनी की लूँगा, कितने प्राइस की लूँगा, ये सब आपको पता चलेगा नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। तब तक आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको भी पता चल सके कि कौन सी अच्छी बैटरी है DSLR के लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट करते हुए चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।